तो दोस्तों, ये है मेरे आंगन का एक कोना जो बहुत ही ख़राब हो रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, घर में चल रहा था काम और बरसात के बाद तो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं तो ये गमले होते हैं, तो उन्हीं का ये हाल मैं दिखा रही हूँ। यहीं पर पड़ा हुआ था सामान जिससे मैं इन तक नहीं पहुँच पाती थी, इनकी गुड़ाई भी अच्छी तरह से नहीं हुई। ये है लीची का पेड़ जिसमें मैंने सिंगोनियम लगा दिया था, इसके जड़ में ये इतना घना हो गया है, आज हम इसको भी यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। तो सबसे पहले अब मैं कर रही हूँ कटिंग जिसमें है अमरूद का पेड़ और रबर प्लांट सब। तो दोस्तों, ये वो महीना होता है जब घर में सबसे ज़्यादा काम होता है, हमें दशहरे दिवाली की भी तैयारी करनी होती है और बरसात जाने के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम प्लांट का रह जाता है। उनकी गुड़ाई है, उन्हें पेंट करना है, नए पौधे लाने हैं, ये सब रहता है। इस बार जगह कम होने की वजह से मैं नए प्लांट नहीं लेके आई हूँ। विंटर सीजन आने लगता है तो गर्म कपड़ों को निकालना, उन्हें धोकर सुखाना और ठंडे कपड़ों को रखना, और उसके अलावा जितने भी क्विल्ट वगैरह हैं उन्हें सुखाना, बहुत सारा काम रह जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर दी, बड़े बड़े टहनियों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। दिन में काम करने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और शाम को करने से मच्छर काटने लगते हैं, मौसम भी अजीब है, लेकिन ये सब तो हमें करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अब आती है बारी सिंगोनियम की। ये लीची का जड़ है, मैंने इसी के जड़ में सिंगोनियम को लगा दिया था, लेकिन ये इतना घना हो गया है कि इसने पूरा जगह ले लिया है। तो मैं इसको पूरा निकाल दूंगी यहाँ से, और इसके ऊपर जितने भी ये प्लांट देख रहे हैं ये सब बड़े भैया के हैं, उनका घर बन जाएगा तो फिर ये सब उधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसने पेड़ को भी ख़राब कर दिया था, लीची भी अच्छी तरह से नहीं लगे थे, तो मैं इसको पूरी तरह से हटा दूँगी। देखिए, अब खुला हो गया, जगह भी हो गया। इसने ना इसके पेड़ को भी ख़राब कर रहा था, दिख रहे हैं दाग 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 ऐसे हो गया था। और अब गमले बड़े ज़्यादा हो गए हैं ना, तो मैं यहाँ रख लूँगी। ये देखो खाद गाय, ये जड़ सिंगोनियम के ही है, इनको निकाल के भी ना फेंक दूँगी, नहीं तो ये दोबारा से फिर हो जाएंगे इसी में। देखो ये खाद, वाह मस्त वाला खाद बनाए। दोस्तों, अमरूद की टहनियों की छटाई करने के बाद मैंने उसमें इस तरह के छोटे प्लांट को हैंग कर दिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इन्हें देखकर लगने लगा है कि हाँ, मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं लेके आई थी एशियन पेंट जो पॉट्स में लगाते हैं, ये टेराकोट पॉट्स के लिए कलर आता है, बहुत ही प्यारा कलर है, बिल्कुल रेड कलर है। इसी को इस बार मैं यूज करने वाली हूँ, तो फटाफट मैं जहाँ जहाँ भी मुझे पेंट करना है मैं कर देती हूँ। उसके बाद गमलों में पेंट करने के लिए मैं खुद से कर पाई तो ठीक है, नहीं तो गंगा दीदी की मैं हेल्प ले लूँगी, क्योंकि पॉट्स इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का काम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ देखिए, मेरा आंगन अब चमकने लगा है। मैंने सारे पॉट्स को एक साइड रख दिए हैं, जिसमें दीदी के पॉट्स अलग हैं और मेरे पॉट्स अलग हैं।